नमस्कार, स्वागत है आपका 24/7 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ हैदर। बात करेंगे नोएडा में लागू हुई पेट पॉलिसी की। जी हां, जो लोग यहां कुत्ते, बिल्ली, डॉग्स, जानवर पालते हैं, जो कि पालतू जानवर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार नोएडा में डॉग बाइट की घटनाएँ सामने आ रही थी, जिसको देखते हुए एक मासूम की जान भी गई थी, कई बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आए थे और NCR का जो पूरा हिस्सा है इसमें ज़्यादातर ये घटनाएँ सामने आने लगी थी। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण को तमाम शिकायतें इसको मिल रही थी। इसके बाद बोर्ड मीटिंग में 207वीं बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि यहाँ पेट पॉलिसी को लागू किया जाएगा और अब उसको अमल में लाने के लिए उस पेट पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। अब से जो भी पेट डॉग हैं, बिल्ली हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, 31 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन कराना है, ₹500 फीस देनी होगी। हर साल अप्रैल महीने में रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना होगा। इसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन में डिले होता है, फरवरी में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ₹200 का फाइन लगेगा। इसके अलावा अगर मार्च में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ₹500 रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ ₹200 एक्स्ट्रा प्लस ₹10 पर डे के हिसाब से आपको फ़ाइन चुकाना होगा। 6 महीने के अंदर आपको इंजेक्शन लगाना होगा, नसबंदी करानी होगी अपने पेट एनिमल्स की। अगर आप नसबंदी नहीं कराते हैं तो ₹2,000 का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा फीडिंग रूम बनाए जाएंगे, शेल्टर होम बनाए जाएंगे। RWA AOS के साथ और तमाम NGO के साथ नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने मीटिंग की है। RWA और AOA जो हैं वो इसकी देखभाल करेंगे। जितने भी फीडिंग रूम बनाए जाएंगे और शेल्टर होम बनाए जाएंगे जहां पेट डॉग्स को रखा जाएगा, उनकी देखभाल RWA करेंगे। इसके अलावा जो कॉमन लिफ्ट होगी उसका इस्तेमाल अपने डॉग को ले जाने में नहीं किया जा सकता। सर्विस जो लिफ्ट है उसके ज़रिए ही अपने डॉग को आप लेकर आ जा सकते हैं। इसके अलावा कॉमन एरिया में नहीं घुमा सकते हैं। अगर आपका डॉग्स, बिल्ली किसी को काटता है तो उसका इलाज कराना होगा, प्लस ₹10,000 जो प्रावधान है जुर्माने का वो भी आपको चुकाना होगा। अगर आप नोएडा में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके डॉग से किसी को नुकसान होता है, किसी को काटते हैं, तो इसकी भरपाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए जेके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।